सेहत विभाग की ओर से पंद्रहवाड़ा के तहत उन समस्त तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सरकारी हिदायतों को पूरा नहीं कर रहे हैं। कई दुकानदारों को तो हिदायतें दी हैं, लेकिन कईयों के तो सेहत विभाग ने चलान भी काटे हैं, जिसकी जानकारी में डॉक्टर मधुर मटू ने बताया। तो ये जड़ा काम असी कर रहे हैं रूटीन च भी पहले चल रही है कि असी तंबाकू के जो भी उत्पाद बेचने वाले ने उदियाँ कुछ गाइडलाइनस ने, वो गाइडलाइनस जिते फॉलो नहीं हो रही असी उन्हां दे चलान कर रहे हैं। हुण 16 मई तो लैके 31 मई तक एक स्पैशल एंटी टबैको ड्राइव चलाई जा रही है पंजाब सरकार वालों, जिदे विच असी वख-वख एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इंटेंसिव तौर पर चलान भी असी देख रहे हैं सारिया टीमां रल के। तो अज असी चलान करन निकले हुए हैं जिते ये चीज़ नॉर्म्स जिहड़े फॉलो नहीं किए जा रहे। तो एंटी टबैको डे है 31 मई नूं, तो असी उहदे तहत एक लोगों को जागरूक करने लिए एक रैली भी रखी हुई है 31 तरीक में जी हेल्थ डिपार्टमेंट वालों कढ़ी जाएगी। असी स्कूलों भी बच्चों को जाके एजुकेशन दे रहे हैं ये बाकी सारे तंबाकू के जो दुष्परिणाम ने बच्चों और आम जनता भी असी दूर रहने की हिदायत करने हैं। तो जेडे जिथे तंबाकू के प्रोडक्ट विक रहे हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ही वेचन की हिदायत दी जा रही है, ये उच्च अधिकारियों के हुक्मों नाल हो रहा है। हुण तक असी 5-6 चलान कर चुके हैं और अजे अगे होर चल रहे हैं। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।